अपनी सहायता करेंगे चिंता पर प्लीज सभी लोग सहयोग करें और सभी लोग बैठ जाए प्लीज मंच के साथ में बैठ जाए। अभी आप राष्ट्र निर्माताओं के साथ की लड़ाई में आए, कैसे आशीर्वाद किस रूप में देना चाहेंगे आपको? देखिए आपकी लड़ाई के समर्थन में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों वाले हिस्से में लिखा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और शिक्षा का कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि जितने विकसित देश हैं उन्होंने अपने यहाँ समान शिक्षा प्रणाली को लागू करके 99-100% साक्षरता दर हासिल की है। शिक्षा के काम को जब तक आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो देश विकास नहीं कर सकता, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार आ गई है जो शिक्षकों को नियमितीकरण करने के बजाय पुजारियों को तनख्वाह देने की बात कर रही है शिक्षकों के बराबर। तो ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि धर्म के नाम पे लोगों के की भावनाओं का दोहन करने वाली इस समय सरकार है, उसने जनता के सारे मूल मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया है। लेकिन हम समझते हैं कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसलिए शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये ज़रूरी है कि शिक्षकों का नियमितीकरण हुआ। और मुझे ये लगता है कि 2015 का उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का जो आदेश है कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ें, अगर बड़े अधिकारियों जनप्रतिनिधियों न्यायाधीशों के बच्चे भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने लगेंगे तो ये सरकार एक दिन भी इसमें देर नहीं करेगी कि जितने भी अस्थाई और संविदा वाले कर्मचारी हैं सबका नियमितीकरण करेगी, क्योंकि तब वो चाहेगी कि शिक्षा व्यवस्था बढ़िया से चले जब उनके अपने बच्चे पढ़ें। तो इस मांग को भी मुझे लगता है इस आंदोलन में जोड़ लेना चाहिए और आपके नियमितीकरण की लड़ाई के पूरी तरह से हम लोग साथ हैं। दुनिया के हर एक कोल की जिसने तरक्की की है, जितने विकसित देश जिनमें 99-100% साक्षरता दर हासिल है, सबने अपनी अपने देशों में समान शिक्षा प्रणाली लागू करके शिक्षा को गंभीरता से लिया और ये एक ऐसी सरकार है जो शिक्षा को गंभीरता से ले। आप कैसे भारत को आप विश्व गुरु बनाएंगे, भारत का विकास आप कैसे करेंगे? ये लोगों को धोखा देने वाली बात है और धर्म के नाम पर लोगों की जिस तरह से भावना का दोहन करके मूल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है, इसमें सिर्फ एक ही तरीका है हम लोगों के सामने कि इस सरकार को सत्ता से हटाएं और ऐसी सरकार को लाएं जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन सब मुद्दों पर।